गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट टूडेट द्वेंटियर ऑफ ई वी एस दैट इज ड्रॉप बाय ड्रॉप ओके चिल्ड्रन मान लीजिए आप सुबह नींद से उठे और आप फेस वॉश करने के लिए जाएं लेकिन तभी टैप्स में पानी नहीं आ रहा हो तो हम कैसा फील करेंगे सो इसीलिए वाटर इज़ लाइफ बिना पानी के तो हम अपनी जिंदगी सोच ही नहीं सकते सो so, आज हम पढ़ेंगे एक ऐसी ही बच्ची और फैमिली के बारे में जो एक ऐसी जगह पे रहते हैं जहां पे पानी की बहुत दिक्कत है माधो लिव्स इन बज्जू अ स्मॉल विलेज इन राजस्थान इट इज हार्डली अ विलेज ऑल यू सी इज सैंड ऑल अराउंड वन कैन सी सम हाउस वेन द सैंड डज नॉट ब्लो एक छोटा सा गांव जो कि राजस्थान में है जहां पे माधो रहता है माधो ऐसे ही रेगिस्तान में एक छोटे से गांव बच्चों में रहता है मुश्किल ये मुश्किल से ये एक गांव है क्योंकि यहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं जहाँ तक नजर जाएगी दूर दूर तक बस रेत ही नजर आते हैं पेड़ पौधे बहुत कम है घर भी बहुत कम है बहुत कम लोग रहते हैं यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे पानी बहुत पानी की बहुत ही स्केरसिटी है एवरी वन इन माधोज फैमिली अपसेट एवरी समर देयर इज वाटर स्केरसिटी इन हिस प्लेस this year it is worse it did not rain at all his mother and sister have to walk a longer distance to fetch water as the nearby pond has also dried each day they spend hours just to get four pots of water while walking on the hot sand their feet burn and blisters just cannot be avoided माधो के घर में सभी लोग बहुत भी दुखी हैं हर समर सीजन में यहाँ पे पानी की कमी हो जाती है सबसे बुरी हालत थी इस साल बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई थी इस साल माधो की बहन और मम्मी पानी के लिए बहुत लंबा दूरी तय करना उन्हें तय करना होता है क्योंकि पास का तालाब का जो पानी था वो सूख गया था सिर्फ अपने घर की चार मटकी भरने के लिए ही उन्हें बहुत दूर-दूर तक चलना पड़ता था गर्म रेत पर चलने के बाद पैरों में पैर छाले पड़ जाते थे जिन्हें रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाता था

लोग वेट करते रहते हैं कई कई दिनों तक पानी के लिए सम पीपल कलेक्ट रेन वाटर दिस इज़ डन बाय अ स्पेशल मेथड बाय मेकिंग और टैंक्स और टंका यू कैन से डू यू नो व्हाट अ टंका इज़ एंड हाउ इट इज़ बिल्ट कुछ कुछ लोग ने अपने घरों में रेन वाटर को कलेक्ट करने के लिए भी कुछ सिस्टम बनाए हुए हैं इसलिए बारिश के पानी को ये लोग अपने घर के छत के ऊपर जमा करते हैं जिसे पाइपलाइन के जरिए ज़मीन के नीचे एक अंडरग्राउंड टैंक बना के पानी को स्टोर किया जाता है ओके टू बिल्ड अ टंका। इज डग इन द यार्ड एंड इट इज मेड पक्का द टंका इज केप्ट कवर्ड विद अ लिड द रूफ ऑफ द हाउस इज मेड स्लोपिंग सो दैट द रेन वाटर कलेक्टेड अटैच टू द माउथ ऑफ पाइप सो दैट नो टंका दिस वाटर इज यूज फॉर ड्रिंकिंग आफ्टर इट इज क्लीं सी एक गड्ढा बनाया जाता है घर के कोर्टयार्ड में अंदर से सीमेंट डाल के उसे पक्का बना दिया जाता है और इस टंका को ढक्कन से ढक दिया जाता है ओके एज यू कैन सी इन द पिक्चर आल्सो कि बारिश के पानी को ये लोग अपने घरों के छत के ऊपर जमा करते हैं जिसे पाइपलाइन के जरिए सी दिस पाइपलाइन के जरिए जमीन के नीचे एक अंडरग्राउंड टैंक बना के पानी को स्टोर किया जाता है उसे लिड से ढक दिया जाता है और पाइप के जो माउथ होता है वहाँ पे एक सीव मीन्स छलनी अटैच की जाती है जिससे कि डर्ट ना घुसे टंका में तो ये जो वाटर होता है फिर वो फाइनली पीने लायक हो जाता है समटाइम्स मादो इज अलाउड टू टेक वाटर फ्रॉम वन ऑफ द टंकाज ऑफ द विलेज कई बार मादो को अलाउ कर दिया जाता है कि वो पानी ले सके जो विलेज के टंकाज होते हैं उनमें से भी

ये सब तो जब उन्हें लगता है कि पानी की कमी हो रही है लेकिन क्या आपको पता है इनमें से सबसे जो मेन रीज़न है स्केसिटी ऑफ वाटर का ये है कि लोग पानी को बहुत वेस्ट करते हैं तो ज़रा सोचिए कि कितना अच्छा होगा अगर सबको पानी मिले और वो कैसे मिल सकता है अगर हम पानी को वेस्ट नहीं करेंगे उसको सेव करेंगे सो चिल्ड्रन गो थ्रू दिस चैप्टर वंस एंड थैंक यू चिल्ड्रन